नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपका अपना डिजिटल बेस्ट ड्रीम इलेवन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग में जो दोस्तों सेकंड मैच होने वाला है तेलुगु टाइटंस और यूपी योद्धा का। तो फ्रेंड, इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोनों टीमों का स्टार्टिंग सेवन और ड्रीम इलेवन टीम। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दोस्तों जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को और जानते हैं दोनों टीमों का स्टार्टिंग सेवन दोस्तों इस मैच में किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए दोस्तों यूपी योद्धा की स्टार्टिंग सेवन की। तो इस मैच में भी दोस्तों आपको सेम स्टार्टिंग सेवन के साथ यूपी योद्धा जाते दिख जाएगी, जो कि दोस्तों इन्होंने पिछले मैच में हरियाणा स्टीलर्स को एक पॉइंट के मार्जिन से हरा करा रही है। तो दोस्तों यूपी योद्धा ऑलरेडी सीजन सिक्स में दोस्तों प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ अच्छा करके दोस्तों सीजन का एंड करना चाहेगी और दोस्तों ये चाहेगी दोस्तों कि इस मैच को भी जीत कर दोस्तों कुछ अच्छा कुछ दोस्तों बेस्ट मतलब जो रैंकिंग होता है उस पर ये खत्म करे। तो दोस्तों यहाँ आपको श्रीकांत यादव इस मैच में कंफर्म खेलते दिख जाएंगे, प्रशांत कुमार राय भी आपको कंफर्म खेलते दिख जाएंगे, सचिन कुमार भी दोस्तों आपको कंफर्म खेलते दिख जाएंगे और दोस्तों नीतीश कुमार भी इनके बेस्ट डिफेंडर दोस्तों। तो नीतीश कुमार भी आपको इस मैच में देखने वाले हैं, जीवा कुमार, नरेंद्र। बात रही दोस्तों रिशांग देवाड़ी का, अगर रिशांग देवाड़ी का अगर फुल्ली फिट होते हैं फ्रेंड तो ही आपको यहाँ खेलते दिखेंगे, नहीं तो दोस्तों आपको भानु प्रताप या फिर आजाद सिंह में से किसी एक को दोस्तों इस मैच में आपको खेलते दिख जाएंगे, या फिर दोस्तों टीम चाहे तो रिशांग देवाड़ीका को फिर से मौका दे सकती है। रिशांग देवाड़ीका दोस्तों पूरे सीजन दोस्तों फ्लॉप रहे हैं दोस्तों, इन्होंने अभी तक एक भी दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इस मैच में रिशांग देवाड़ीका को दोस्तों अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सिक्स का सिक्स प्लेयर दोस्तों आपके लिए सेफ है। तो आप इन छः में से दोस्तों किन्हीं को भी ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लीजिए तेलुगु टाइटन्स की स्टार्टिंग सेवन की। दोस्तों तेलुगु टाइटन्स ने पिछले मैच में दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों और इन्होंने लास्ट डेट में दोस्तों जाकर मैच विन किया और काफ़ी अच्छा दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस रहा नीलेश सालुंकी और राहुल चौधरी का। तो दोस्तों इस मैच में भी आपको नीलेश सालुंकी और राहुल चौधरी दोनों खेलते दिख जाएंगे। विशाल भारद्वाज ने भी दोस्तों पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अनिल कुमार भी आपको दिख जाएंगे दोस्तों और अनुज कुमार भी आपको इस मैच में दिखने वाले हैं। अबूजर मेघानी और फराद मिला गर्दन भी दोस्तों आपको इस मैच में दिख जाएंगे। तो ये दोनों दोस्तों इनका स्टार्टिंग सेवन हो सकता है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी टीम दिख रही है दोस्तों। तो आपको लगता है अगर यहाँ से दोस्तों कि कोई प्लेयर रिस्की है, जो कि अनुज मुझे लगता है कि दोस्तों अपना जगह बना चुके हैं तेलुगु टाइटन्स की टीम में, तो ये भी आपको कंफर्म खेलते दिख जाएंगे। बात रही दोस्तों यहाँ से अब सब्स्टिट्यूट की दोस्तों, तो आपको यहाँ से सुरक्षित के अलावा आपको यहाँ से मोहसिन मकसूद भी एज ए सब्स्टिट्यूशन आते हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये हो सकता है दोस्तों इनका स्टार्टिंग सेवन। तो आपको यहाँ से अगर सबसे बेस्ट प्लेयर मैं बताता हूँ फ्रेंड, तो राहुल चौधरी, नीलेश सालुंके, विशाल भारद्वाज, अनिल कुमार, अनुज दोस्तों बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोस्तों और अबूजर मेघानी बहुत अच्छा इन्होंने पिछले मैच में भी परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों ये इनका स्टार्टिंग सेवन हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लीजिए ड्रीम इलेवन टीम की। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए तीन टीम लाया हूँ, जो टीम आपको बेटर लगे आप उसके हिसाब से जा सकते हो, या फिर दोस्तों आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग सेवन बताया उसके हिसाब से भी आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपके लिए वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। आप खुद से भी एक टीम क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले बात कर जाए एक और ऐप के एप्लीकेशन की दोस्तों, जो कि आपको नाम है हालाप्ले दोस्तों। अगर आप इनका इसका नाम सुने होंगे या फिर आपने यूज़ किया होगा दोस्तों, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे आप जरूर इंस्टॉल कर ले दोस्तों। अगर आप इसमें एक रेफर कोड होता है, जो आपको रेफर कोड डालने पर दोस्तों आपको 100 रुपये का कैश बोनस मिलता है, जो कि दोस्तों पूरे कैश बोनस को दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो, 100% कैश बोनस ही आप दोस्तों खेल सकते हो। तो दोस्तों इस ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको अगर आप दोस्तों इसे खेलते हो तो ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने इन्हें इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार इन्हें ट्राई कर देखना, इस ऐप को दोस्तों बहुत ही बेस्ट ऐप है दोस्तों, आप जरूर आपको पर्सनली ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टीम किस तरह से हो सकता है। फर्स्ट टीम में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले डिफेंडर सेक्शन की। यहां से मैंने दोस्तों तीन डिफेंडर को पिक किया, नीतीश कुमार, अनिल कुमार और दोस्तों सचिन कुमार, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा अभी तक इन तीनों ने परफॉर्मेंस किया दोस्तों। अगर आप चाहो तो यहाँ से आपके विकल्प का बात कर लिया जाए दोस्तों, तब उजार मेघानी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। उनके बाद यहाँ से दोस्तों जीवा कुमार को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, यहाँ से उसके बाद दोस्तों अनुज कुमार आपके लिए अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अनुज जो कि कुछ मैचों से दोस्तों लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो इनके अलावा आपके लिए कोई नीचे बेस्ट ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आपके लिए तीन चार ऑप्शन बेस्ट है जो कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इन्हीं में से दोस्तों आपने ज़्यादा प्लेयर ट्राई करना है, अदर प्लेयर आपने नहीं ट्राई करना है। उनके बाद दोस्तों बात कर जाए ऑलराउंडर सेक्शन की। तो यहाँ से दोस्तों मैंने सिर्फ एक ऑलराउंडर को पिक किया, जो कि विशाल भारद्वाज होने वाले हैं दोस्तों। मोहसिन मकसूद को दोस्तों मौका नहीं मिल पा रहा है कुछ मैचों से, तो इन्हें आप मत लेना दोस्तों, इन्हें सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ही यूज़ किया जा रहा है, तो आप इनको लेकर दोस्तों आपका किसी तरह का दोस्तों प्रॉफिट या फिर फायदा नहीं होने वाला है। इनके यहाँ से आपके साथ बेस्ट नरेंद्र हो सकते हैं, फराद मिला गर्दन के भी दोस्तों कंटिन्यू मैचेस खिलाया जा रहा है, तो आप चाहो तो फराद मिला गर्दन के साथ जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों तीन बेस्ट ऑप्शन है, विशाल भारद्वाज, नरेंद्र और फराद मिला गर्दन। इन तीन में से दोस्तों आप चाहो तो किन्हीं दो को पिक कर लो, सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाले हैं विशाल और फराद दोस्तों। ये दो ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तभी आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। उनके बाद दोस्तों बात कर लीजिए रेडिंग डिपार्टमेंट की।
तो यहाँ से मैंने दोस्तों तीन रेडर को पिक किया है, राहुल चौधरी, श्रीकांत यादव, प्रशांत कुमार राय। दोस्तों आप चाहो तो इन्हीं तीन के साथ जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से प्रशांत कुमार राय को ड्रॉप करके दोस्तों अपने ले सालूंगे को पिक कर सकते हो। इस तरह से आप नया कॉम्बिनेशन दोस्तों बना सकते हो, जो कि आपके लिए एक कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं यहाँ से दोस्तों प्रशांत कुमार राय के साथ ही जाना पसंद करूंगा दोस्तों। उनके बाद सबसे पहले बात की जाए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो मेरा दोस्तों डिफॉल्ट कैप्टन होने वाले हैं राहुल चौधरी, जो कि दोस्तों सभी का कैप्टन आपको स्मॉलिंग में राहुल चौधरी दिखने वाले हैं। जो चेंजेस होगा दोस्तों वो आपको वाइस कैप्टनसी और टीम में चेंजेस दिख जाएगा। वाइस कैप्टनसी दोस्तों मेरा श्रीकांत यादव रहने वाले हैं। अगर आप चाहो तो प्रशांत कुमार राय को ट्राई कर सकते हो, विशाल भारद्वाज आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है। तो दोस्तों ये कुछ आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, तो आप इन्हीं में से दोस्तों ट्राई करना। ज़्यादातर दोस्तों आपने रेडर को ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलता है रेडर को कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी देने से। तो दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट टीम। उनके बाद दोस्तों बात कर ली जाए सेकेंड टीम की, तो सेकेंड टीम में दोस्तों मैंने यहाँ सबूजार मिघानी को पिक किया है प्रशांत कुमार राय को ड्रॉप करके, और मैं दो डिफेंडर दोस्तों तेलुगु सॉरी यूपी का दो डिफेंडर को मैंने पिक किया और यहाँ से एक रेडर को। तो ये मैंने पूरी तरह से दोस्तों जो टीम है वो तेलुगु टाइटन्स के रेडर और दोस्तों डिफेंड दोनों मिलाकर दोस्तों बनाया, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है फ्रेंड। तो ये टीम के साथ भी आप जा सकते हो, जहाँ दोस्तों मैंने कैप्टनसी सेम और वाइस कैप्टनसी भी सेम रखी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड टीम। उनके बाद दोस्तों बात कर ली जाए थर्ड टीम की, तो थर्ड टीम में दोस्तों मैंने यहाँ से नितेश कुमार, अनिल कुमार, सचिन कुमार सेम मैंने दोस्तों फर्स्ट टीम की तरह ये मेरा टीम है, लेकिन जो यहाँ मैंने चेंजेस किया दोस्तों मैंने वाइस कैप्टनसी में चेंजेस किया है। यहाँ दोस्तों नीलेश सालिंग सॉरी प्रशांत कुमार राय को मैंने दोस्तों पिक कर लिया। अगर आप एक और बेहतरीन टीम बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों प्रशांत कुमार राय को ड्रॉप करके नीलेश सालुंखे को दोस्तों अपने टीम में ऐड कर लो और उन्हें दोस्तों वाइस कैप्टनसी दे दो। तो ये भी एक बहुत अच्छा टीम बन सकता है आपके ग्रैंड लीग के लिए, काफ़ी अच्छा टीम है दोस्तों, क्योंकि यूपी योद्धा का डिफेंस है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा लैक कर रही है दोस्तों अच्छे रेडर के सामने। तो आपने जरूर इस ऑप्शन को भी अपने ट्राई कर लेना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा थर्ड टीम। दोस्तों अगर आपको ये टीम पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर जरूर दोस्तों लाइक करना है और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे चैनल को कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।